कृपया हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। बारिश का मौसम यही समय है जब सांप अपने बिल से बाहर निकलते हैं और सांप और आपका आमना सामना होता है। हम आपको डराने नहीं, सतर्क करने आए हैं। घर में जैसे ही आप बाहर निकलते हैं, घर के आंगन में, बागीचे में, कई बार आपको सांप दिख जाता होगा। जाहिर है यही वो समय है जब सबसे ज़्यादा सर्पदंश से लोगों की मौत होती है। देश में कई लोग हैं जो आपके घर से, खेत से सांप बाहर निकालने का काम करते हैं। ये पेशेवर लोग हैं। अक्सर लोग सांप नज़र आने पर उसे मार देते हैं, लेकिन ये पेशेवर लोग उसे सांप को सुरक्षित निकाल कर या तो जंगल में छोड़ देते हैं या किसी सुरक्षित स्थान पर ले जाते हैं। सांप से जहर निकालने का कारोबार भी होता है जो अच्छा फल फूल रहा है। आप में से कई लोगों को ये जानकारी नहीं होगी कि भारत पूरी दुनिया में सबसे आगे है जहाँ सर्पदंश से लोगों की मौत होती है। साल 2017 में केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग की तरफ से एक आंकड़ा जारी किया गया जिसमें बताया गया कि पिछले 6 महीने में ही 1,14,000 मामले सामने आए थे। इनमें सबसे अधिक जो है वो संख्या महाराष्ट्र की थी जहां 24,437 मामले थे। इसके बाद महाराष्ट्र के बाद वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, कर्नाटका जैसे राज्य भी शामिल थे। अगर आप आंकड़ों में समझना चाहते हैं कि देश में सर्पदंश की स्थिति क्या है तो आइए समझ लेते हैं। पूरी दुनिया में 5.4 मिलियन मामले सामने आते हैं तो उसमें लगभग 2.8 मिलियन मामले हमारे देश के यानी भारत के हैं। लगभग 1,00,000 लोग पूरी दुनिया में सर्पदंश से मारे जाते हैं। इस खतरे से लड़ने के लिए सरकार और गैर सरकारी संगठनों के साथ साथ कुछ लोग भी कोशिश कर रहे हैं, जिनमें बंगाल में डॉक्टर दयाल बंधु मजुमदार का नाम शामिल है। महाराष्ट्र में प्रियंका कदम इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए ये लोग कई लोगों से जुड़े हुए हैं और कई तरह की जानकारियां इकट्ठा करके सर्पदंश के मामले को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। भारत क्यों पूरी दुनिया में सर्पदंश के मामले में सबसे आगे है ये समझने की कोशिश करें तो हम पाएंगे कि ग्रामीण इलाकों में सबसे ज़्यादा समस्या होती है। यहाँ स्वास्थ्य सुविधा की कमी है और ख़राब स्थिति है, इसलिए सांप के काटे जाने के बाद लोग अस्पताल तक नहीं पहुंच पाते। सर्पदंश के बाद इलाज के लिए उन्हें बेहतर सुविधा नहीं मिलती, जानकारी की कमी है। सर्पदंश के बाद लोग ओझा और घरेलू उपचार की तरफ बढ़ जाते हैं जिससे सर्पदंश के बाद मौत के मामले बढ़ जाते हैं। एंटी वेनम का ना होना भी एक बड़ा कारण है। दूसरा, कोल्ड स्टोरेज जो एंटी वेनम को रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसकी भी उपलब्धता की कमी है। एंटी वेनम की कीमत भी एक बड़ा कारण है। सांप काट ले तो क्या करें, शांत रहें, धैर्य बनाए रखें और तुरंत उपचार करें। सांप ने जिस जगह काटा है उस जगह को स्थिर रखें, उसे हिलाए नहीं। अगर आपने कोई ज्वेलरी पहन रखी है तो उसे उतार दें। सांप काट ले तो क्या ना करें, सांप के काटने वाली जगह पर कोई कट न लगाएं और न ही जहर को चूस कर निकालने की कोशिश करें। घरेलू उपचार और रोजागुनी के भरोसे न बैठें, तुरंत बेहतर इलाज के लिए अस्पताल जाएं। सांप के काटे जगह पर बर्फ या कोई भी ऐसी चीज़ का इस्तेमाल न करें जिससे सूजन और बढ़ सकती है या खतरा और बढ़ने की संभावना है। तो सांप अगर काट ले तो इन बातों का ध्यान रखें।